अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम तरकीब जीर मुमालिक की जो खसूसियात हैं, जो उनके मसाइल हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। 7 पॉइंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट्स रह गए थे उनको डिस्कस करते हैं। उसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट इस्तदाद कार जो है वो भी तरकीब जीर मुमालिक का एक अहम मसला है। तरकीब पजीर ममालिक में चूंकि लोग गुरबत और अफलास की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, इसलिए उनको बुनियादी जरूरियात में असर नहीं आती, सहूलियात में असर नहीं आती, उनकी सेहत खराब रहती है, जिसकी वजह से उनकी काम करने की सलाहियत पस्त हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, उनकी खुराक के गैर मुतवाजन होने की वजह से उनके बच्चे मुख्तलिफ मुतअद्दी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, उन्हें सेहत की बुनियादी सहूलतें भी हासिल नहीं होती। फिर स्टूडेंट्स, लोग जो हैं वो अनपढ़ होते हैं ज्यादातर वहाँ पर। आमतौर पर पसमानदा ममालिक में 20 से 50% तक शराखानदगी होती है। जो लोग अनपढ़ होते हैं वो कदीम और फरसूदा रवायात के हामिल होते हैं, लिहाजा स्टूडेंट्स इन ममालिक में माशी तरक्की की जो रफ्तार है वो सुस्त हो जाती है। फिर जदीद टेक्नोलॉजी की कमी होती है इन ममालिक में। तरक्की याफ्ता ममालिक ने जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है। जो पसमानदा ममालिक हैं उनमें पुराने और फरसूदा तरीके इख्तियार किए होते हैं। ज़राअत, सनअत, तजारत, बैंककारी, गर्ज किसी भी शोबे में स्टूडेंट्स जिद्दत नहीं होती, हर शोबा उन्हीं कदीम रवायात पर चल रहा होता है। कौमी आमदनी का बहुत थोड़ा हिस्सा जो है वो सनती शोबे से हासिल होता है। पाकिस्तान को स्टूडेंट्स अगर हम दें तो यहाँ पर भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम है। अगर ज़राअत के हवाले से देखें तो स्टूडेंट्स ज़राअत में फरसूदा तरीके काश्तकारी इख्तियार किए हुए है। इसी तरह से सनतें भी इम्प्रूव नहीं है। हमारी तजारत का शोबे की तरफ भी कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर और तमाम पसमानदा ममालिक में अदायगियों का तवाजुन और तवाजने तजारत जो है वो भी गैर मुआफिक रहता है, खसारे का शिकार रहता है। सरमाए की किल्लत स्टूडेंट्स पसमानदा ममालिक में तरक्की पजीर होने की एक बहुत बड़ी वजह है। पसमानदा ममालिक के इन चूंकि इन ममालिक की जो है वो आमदनियाँ कम होती हैं, आमदनी कम होने की वजह से स्टूडेंट्स इनकी बचतें कम होती हैं, और जब बचतें सरमायाकारी में नहीं लगाई जाती, कारोबार नहीं किए जाते कोई, तो तश्कील सरमाए की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। लिहाजा पसमानदा ममालिक में बचतों का तनासुब जो है वो कम रहता है। फिर रवायती समाजी तरीके इदारे जो हैं कदीम और रवायती होते हैं। समाजी इदारे नीम तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग जो हैं वो फरसूदा रवायात से चिमटे रहते हैं। पर्दे के रवाज की वजह से स्टूडेंट्स औरतें ज्यादातर घरों में रहती हैं, वो मर्दों के शाना बशाना काम नहीं करते। लोग जो हैं वो लकीर के फकीर होते हैं, मुश्तरका खानदानी निज़ाम से वाबस्ता रहते हैं, मतलब यानी एक ही घर में जो है वो तीन तीन चार चार फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं, पुरानी रस्मों को अपने तहजीबी विरसे का हिस्सा समझते हैं। तो स्टूडेंट्स इन तमाम वजूहात की बिना पर ये ममालिक जो हैं वो पसमानदगी का शिकार रहते हैं। फिर कुदरती ज़राए का नियम इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स आमदनी की कमी और सरमाए की कमी की वजह से यहाँ पर ज़राए का बेहतर इस्तेमाल नहीं किया जाता। जदीद टेक्नोलॉजी नहीं होती, ज़राए नकलो हमल की पसमानदगी, मादनी इलाकों में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा ज़राए से भरपूर इस्तफादा हासिल नहीं किया जाता और ज़राए जो हैं वो बेकार पड़े रहते हैं या फिर उनका कम इस्तेमाल होता है। गैर मुल्की इमदाद और कर्जों पे भी बहुत इन्हसार होता है तरकीब पजीर ममालिक का। मुल्की आमदनी और बचतें कम होने की वजह से सरमायाकारी नहीं हो पाती, अफरात ज़र मुल्क के अंदर बढ़ जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स माशी तरक्की के लिए बैन अल-अक़वामी इदारों और मुल्क ममालिक से इमदाद और कर्जे हासिल करने पड़ते हैं। इन कर्जों का बोझ तो एक अलग, लेकिन बल्कि इन्हें जो है वो सूद की अदायगी के लिए भी भारी रकूमात की जरूरत होती है और काफी सरमाया, काफी जर मुबादला जो है वो कर्जों और सूद की नजर हो जाता है इन ममालिक का, जिसकी वजह से ये ममालिक कर्जों के बोझ के नीचे दबे रहते हैं और माशी तरक्की का अमल सुस्त रहता है।
نیکسٹ اسٹوڈینٹس, کم ترقی یافتہ ذرائع نقل و حمل جو ہے وہ بھی ترقی پذیر ممالک کا ایک اہم مسئلہ ہے. خام مال, مصنوعات اور دیگر اشیاء کو دوسرے ممالک یا دور دراز منڈیوں تک پہنچانے کے لیے بہتر سڑکیں, ریلیں اور بحری اور ہوائی نقل و حمل کے ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ان ممالک میں ان ذرائع نقل و حمل کے امپروو نہ ہونے کی وجہ سے اشیاء کی منڈی بھی محدود ہوتی ہے اور ان ممالک کی اشیاء کی طلب بھی کم رہتی ہے. تو اسٹوڈینٹس, یہ ہمارے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی جو مسائل تھے ان کے تمام پوائنٹس ہم نے آج ڈسکس کر لیے ہیں. ان کو آپ لوگ یاد کر لیں, یہ اہم کوسچن ہے, لانگ کوسچنز میں اکثر آپ کے پیپر میں آ جاتا ہے. اوکے اسٹوڈینٹس, اللہ حافظ.